हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की समसामयिक घटनाक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखा जाए इस वार्षिकांक सीरीज के अंतर्गत हम यहाँ पर जनवरी से लेकर के दिसंबर 2023 की महत्वपूर्ण घटनाओं का यहाँ पर रिवीजन करेंगे। इसमें कई सारे अलग अलग विषय वस्तुओं को लेकर के आगामी परीक्षाएं, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का हो, आरओएआरओ का हो, सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर इस सीरीज को बनाया जा रहा है। करंट अफेयर्स की सबसे बेहतर सीरीज के तहत आप इसका रिवीजन जरूर करें। हम ऐसे टॉपिक यहाँ पर लेकर डिस्कस करेंगे जिनको एग्जाम में आने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। इसमें देखा जाए पिछले कई वर्षों के करंट अफेयर्स को लेकर के एक विश्लेषण भी किया गया है कि किस तरीके के प्रश्नों को लेकर के यहाँ पे करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। तो आज के सीरीज में हम यहाँ पर देखेंगे दुनिया और भारत और स्टेट लेवल पर देखा जाए कौन सी चीज़ें हैं जो पहली बार यहाँ पर घटित हुई हैं। ऐसे क्वेश्चन की संख्या लगातार आपको एग्जाम में बनी रहती है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बन रहा है, इसको लेकर के यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है ये बन रहा है आपको तेलंगाना राज्य, ध्यान रखिएगा तेलंगाना। क्षेत्र जो है वो है सिद्धिपेट जिला बुरु गुपल्ली में स्थित। यहाँ पर दुनिया का पहला ये 3D प्रिंटेड मुद्रित यहाँ पे मंदिर का अनावरण किया गया है। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। मंदिर देखा जाए तो करीब 4000 वर्ग फुट में यहाँ पर फैला है और करीब 35.5 फुट की यहाँ पर ऊंचाई पर स्थित है। तीनों यहाँ पर देखा है, इसमें तीन गर्भगृह इस मंदिर में बनाए गए हैं जिसमें यहाँ पर तीन देवता हैं, जिसमें एक है भगवान यहाँ पे गणेश है, दूसरे में भगवान यहाँ पे शिव हैं और तीसरे में देवी यहाँ पे पार्वती हैं। तो पहला दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है, तीन देवताओं को लेकर के है और यहाँ पर इससे संदर्भित जो यहाँ पर विशेष कथन है उसको हमें ध्यान रखना है। दूसरा टॉपिक, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसका आंसर आपको पता है, ठीक है, कौन सा है। तो देखिए, अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र यहां पर प्रदान किया गया है। तो कहां के, मध्य प्रदेश के भोपाल के थाने को और महिला थाने को, ठीक है। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला ये देश का पहला महिला थाना है और भोपाल महिला पुलिस स्टेशन को पीड़ित मित्रवत यहां पर आपको बनाया गया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर भी अब आज से आपको पता हो गया है। आंसर क्या है, देखिए यहां पे तमिलनाडु राज्य का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व यहां पर स्थल बन गया। यह तटीय मंदिर जो है मामल्लपुरम मध्य महाबलीपुरम में यहाँ पर स्थित है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का भी दर्जा यहाँ पर आपको प्राप्त है। यह उपलब्धि देखा है तो ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर इसे शामिल किया गया है और इस प्रोजेक्ट तहत मंदिर को रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है उसके तहत यहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्रों का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके से देखा है तो भारत का पहला हरित ऊर्जा यहाँ पर पुरातत्व स्थल बन गया है महामल्लपुरम मध्य महाबलीपुरम का यहाँ पर ये मंदिर। अगला, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है, ठीक है। भारत का देखा है पहला जो वेटलैंड शहर है ये उदयपुर में भारत का ये पहला वेटलैंड शहर बनेगा। उदयपुर को देखा है झीलों के शहर के नाम से भी यहाँ पर आपको जाना जाता है और उदयपुर देखा है तो पांच प्रमुख झीलों पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई से यहाँ पर घिरा हुआ है। इसे राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत देखा जाए तो यहाँ पर विकसित किया जाएगा, ठीक है। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर, इसे ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक, ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली समर्पित ओपीडी कौन सी है, ठीक है। तो देखा जाए इस तरीके के पहल यहां पर सरकार के द्वारा की जा रही है ट्रांसजेंडरों को यहां पर समाज में एक विशेष दर्जा देने के लिए, उनसे संबंधित यहां पर सभी स्तरों पर यहां पर काम किए जा रहे हैं जिसके तहत आप देख सकते हैं यहां पर पहली समर्पित ओपीडी यहां पर डेवलप की गई है। कहां, तो दिल्ली का RML अस्पताल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ट्रांसजेंडर के समुदाय के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी का यहां पर उद्घाटन किया। यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के द्वारा सामना किए जाने वाली यहां पर कठिनाइयों को कम करने के लिए यहां पर शुरू की गई है। बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो असुविधा और भेदभाव के कारण इन सारी चीज़ों का डर भी जो है समाज के स्तर पर उन्हें झेलना पड़ता है और सामाजिक यहां पर उदासीनता के कारण इस तरह की पहल कहीं ना कहीं उनके लिए यहां पर एक बेहतर स्वास्थ्य परक यहां पर जागरूकता और उनकी सेवाओं को प्राप्त करने में उन्हें हेल्प करेगा। अगला टॉपिक, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ है,
ठीक है। तो देखिए, मानव रहित हवाई प्रणाली, कौन सी? ड्रोन, जिसे हम कहते हैं, के लिए देश का पहला जो सामान्य परीक्षण केंद्र है 45 करोड़ रुपए की लागत से यहां पे तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां बना है? तमिलनाडु। इसी तरीके से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ यहां पे कहां हुआ है? तो पहली हाइड्रोजन संचालित जो ट्रेन है ये हरियाणा के जिंद जिले से यहां पर आपको अपनी यात्रा शुरू करेगी। ट्रेन के पहले प्रोटोटाइप में 8 यहां पर बोगियां लगाई जाएंगी और पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन जींद से कहां तक चलेगी? सोनीपत तक। ये भी पूछा जा सकता है कहां से कहां तक चलेगी, तो जींद से सोनीपत तक। राज्य कौन सा है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है हरियाणा। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करना और प्रदूषण से यहां पे निपटना। तो भारत सरकार के द्वारा लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी को यहां पर बढ़ावा देना, हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा। अगला, भारत का पहला ODF जिला कौन सा है? ठीक है, देखिए वायनाड, ठीक है, केरल जो है ये पहला आपको ODF है जिला बन गया है। और ये भारत का सिर्फ न सिर्फ केरल का बल्कि भारत का भी पहला यहां पर ODF मुक्त एक तरीके के जिला बना हुआ है। ODF प्लस मॉडल गांव वैसे गांव हैं जिन्होंने ODF की अपनी स्थिति को बनाए रखा है और इनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की यहां पर व्यवस्था है। यानी यहां न्यूनतम कूड़ा और न्यूनतम अपशिष्ट जल यहां पर देखा जाए तो जमा होता है। यहां सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी प्लास्टिक कचरा भी आपको नहीं होता है। तो यहां पर भारत का पहला ODF जो जिला है वायनाड, केरल। अगला क्वेश्चन, चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखा जाए तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। तो चलने का अधिकार देखा जाए तो पंजाब देश का पहला राज्य बन गया जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार, राइट टू वॉक का यहां पर अधिकार दिया गया है। यह पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों को दुर्घटना और मौतों की संख्या को नियंत्रित करने के तहत यहां पे पंजाब सरकार के प्रयासों के एक हिस्से के तौर पर इसे लागू किया गया है। तो राइट टू वॉक जो है पंजाब राज्य के द्वारा यहां पर प्रदान किया गया। अगला, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज कहां पर है? देखा जाए, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज जो है ये अंजी खंड, ठीक है, जो ब्रिज है ये जम्मू कश्मीर में बनकर यहां पर तैयार हो गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला यहां पर रेल रिंग परियोजना का यहां पर ये हिस्सा है और इसका निर्माण अंजी नदी पर यहां पर किया गया है जो कटरा और रियासी के बीच चिनाब नदी के एक सहायक नदी है। अंजी खंड ब्रिज देश का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज है। तो इसको यहां पर नाम ध्यान रखिएगा। नदी भी जो है अंजी नदी है, अंजी खंड पर यहां पर आपको ब्रिज भी है इसका नाम। और कहां से कहां तक ले, जम्मू कश्मीर में देखा जाता है ये बनकर तैयार हुआ है। और एक रेल लिंक परियोजना है, ये भी हो सकता है ये पूछ लें तो कौन सा रेल लिंक है? तो उधमपुर श्रीनगर और बारामूला। अगला टॉपिक, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जल बजट देखिए, केरल के कुछ क्षेत्रों में देखा है पानी की समस्या के समाधान को लेकर के जल बजट यहाँ पे बनाने का काम किया गया और ये यहाँ पर आपको केरल ये पहला राज्य बन गया जो इस तरह के बजट को बना रहा है। परियोजना के पहले चरण में 94 गांव ग्राम पंचायतों और 15 ब्लॉक पंचायतों को यहां पर इसमें शामिल किया गया है जहां जल बजट को लेकर काम किया जाएगा, यानी कि पानी की कमी के समाधान को लेकर के यहां पर बजट बनाया जाएगा। अगला, दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कौन सा है? तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश के गंभीर रूप से यहां पर लुप्तप्राय एशियाई किंग गिद्ध के लिए यहाँ पे अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया जो दुनिया में अपनी तरह का यहाँ पर पहला केंद्र है। यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है और करीब 1.5 हेक्टेयर में आपको फैला हुआ। तो उत्तर प्रदेश में है, जिले पूछा जाए तो महाराजगंज में है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र में विभिन्न पिंजड़े बनाए गए हैं और एशियाई किंग गिद्धों की एक अस्थायी आबादी को बनाए रखने के लिए यहां पर इसे डिजाइन किया गया है। अगला, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला यहां पर राज्य कौन सा बन गया है? तो इसमें आप देखें, भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क का 100% यहां पर विद्युतीकरण जो है सफलतापूर्वक पूरी कर लिया है
और इस उपलब्धि के साथ हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का यह पहला राज्य भी बन गया है। विद्युतीकरण परियोजना में हरियाणा में देखा जाए तो करीब 1701 किलोमीटर की रूट है और मौजूदा जो है वो ब्रॉड गेज यहाँ पे नेटवर्क इसमें आपको शामिल है। तो ये दोनों ही तथ्यों को ध्यान रखिएगा, रेलवे के संदर्भ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर भी नजर बनाए रखिए। अगला टॉपिक, हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से यहां पे जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। देखा जाए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस तरीके के केस यहां पर सुलझाए गए हैं। ऐसा कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो वो देख लीजिए। चैट जीपीटी एक डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैट बॉट या चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जिसको यहाँ पे चैट जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर कहा जाता है। इसे डेवलप्ड करने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई। चैट जीपीटी एक तरह का चैट बॉट होता है और एक ऐसा चैट बॉट जो यूजर द्वारा पूछे गए सवाल को समझ करके पूरी तफसील के साथ जवाब तैयार करके उसके सामने यहाँ पर रखता है। तो इसी बेसिस पर यहाँ पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा इस तरह का पहला डिसीजन यहां पर दिया गया, हत्या के केस में आई के माध्यम से एक जमानत। अगला, विश्व का पहला ताड़पत्ती पांडुलिपि संग्रहालय ये कहां बना है, तो यहां पे देख सकते हैं केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम। विश्व के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय की शुरुआत यहां पर की गई है। इसमें राज्य की सांस्कृतिक जुड़ाव यहाँ पर उससे संबंधित जो कहानियां हैं उनको यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है। संग्रहालय में भारत की धरती पर पहली बार किसी भी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने वाले त्रावणकोर साम्राज्य की कहानियों का खजाना भी देखा जाए तो इसमें आपको मौजूद है। तो पहला ताड़पत्ती पांडुलिपि संग्रहालय विश्व का वो है आपको केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, नितिन गडकरी ने किस शहर में पहली मेथेनॉल से चलने वाली बस का अनावरण किया, तो ये है बेंगलुरु में। ठीक है, मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस बेंगलुरु में यहां पर अनावरण किया गया है। मेथेनॉल देखा है तो मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से औद्योगिक रूप से यहां पर विकसित किया जाता है जिसका सूत्र CH3OH यहां पर होता है। अगला, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला यहां पर कौन बन गई हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा सुरेखा यादव। ठीक है, सुरेखा यादव हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला हैं। ये कहां से कहां के बीच चला रही हैं, तो सोलापुर स्टेशन से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यहाँ के बीच, ये रेल मंत्री अरुण अश्विनी वैष्णव के द्वारा बताया गया है कि इनके मध्य यहाँ पर ट्रेन का ये वंदे भारत ट्रेन का यहाँ पर संचालन करेंगे। अगला, कौन सा प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया, तो कर्नाटक राज्य के यहाँ पर देखा है हुबली में यहाँ पर ये बन गया है, ये उपलब्धि इन्होंने हासिल कर ली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक राज्य के हुबली में सिद्धरूधा रेलवे स्टेशन पर करीब 1.5 किलोमीटर यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ पर समर्पित है और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 1507 मीटर है। तो यहाँ पे अब देश का यहाँ पर देखा है तो सर देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली बन गया है रेलवे प्लेटफॉर्म। अगला, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन कहां हुआ है, तो आंसर है इसका चंडीगढ़। उत्तर भारत की तैरती सबसे बड़ी परियोजना है जो चंडीगढ़ के सेक्टर 39 और धनास झील पर यहाँ पर आपको बनाई गई है। उसका उद्घाटन चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा किया गया है। अगला, अंधापन नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य यहाँ पर कौन सा बन गया है, राजस्थान। क्या है इसके अंतर्गत वो समझ लें। देखिए 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के द्वारा बताया गया कि प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के दृष्टिकोण से इस तरह की अभिनय यहां पर पहल की गई है और इसके तहत देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के तहत यहां पर अंधता नियंत्रण पॉलिसी यहां पर आपको लागू की गई है। तो ये भी ध्यान के अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य भारत का राजस्थान बन गया। अगला है, कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है,
तो ये है केरल का कोल्लम जिला। देखा जाए केरल में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो पहली बार यहाँ पर भारत में हुई हैं वो केरल में हो रही हैं। तो संविधान की मूल बातों के बारे में केरल के कोल्लम जिले के निवासियों को शिक्षित करने के लिए अभियान यहाँ पर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कोल्लम जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर यहाँ पर जिला बनाना है। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर यहाँ पर शिक्षित किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी पहल है संविधान के बारे में शिक्षित करना। सभी लोगों को अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए, न सिर्फ एक जिले के लोगों को बल्कि ऐसा पूरे देश के हर एक नागरिक को अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शुरुआत जरूर अच्छी हुई है केरल के कोल्लम जिले से। कृषि के लिए भारत के पहले चैटबॉट का नाम यहाँ पर क्या है? तो देखिए उड़ीसा के राज्यपाल जो हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। कृषि उड़ीसा 2023 के समापन सत्र में कृषि क्षेत्र के लिए देखा है तो भारत का पहला एआई चैटबॉट अमा कृष एआई लॉन्च यहाँ पर किया है। अमा कृष एआई जो है ये चैटबॉट किसानों को किस तरीके से जो सर्वोत्तम कृषि की पद्धतियाँ हैं उनको किस तरीके से आपको उसकी मदद आप ले सकते हैं, सरकारी योजनाओं और 40 से अधिक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के ऋण उत्पादों के बारे में यहाँ पर सूचित करेगा। तो एक तरीके से किसानों को कृषि से संबंधित यहाँ पर पद्धतियों, ऋण और योजनागत चीज़ों के लाभ कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर देगा। अगला है मैनहोल की सफाई के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य यहाँ पर देखा जाए तो ये भी आपको केरल बन गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो केरल सरकार ने गुरु वायूर के मंदिर शहर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बांदीकूट यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम यहाँ पर दे दिया गया है मैनुअल रोबोटिक यहाँ पर स्कैवेंजर को जिसका नाम यहाँ पे बांदीकूट रखा गया है, जो अपने सभी कमीशन के लिए मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का यहाँ पे उपयोग करने वाला देश का ये पहला राज्य आपको बन जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे जो डेटा हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं जो ह्यूमन स्कैवेंजर्स हैं वो मैनहोल की यहाँ पे सफाई करने के दौरान काफ़ी यहाँ पे डेथ हो जाती हैं, तो इस संदर्भ में यहाँ पर एक बेहतर पहल है। अगला, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो देखिए इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, भारतीय सेना के इतिहास में देखा है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जिसका नाम यहाँ पर सियाचिन है में तैनात किया गया है। ये महिला अधिकारी सेना की फायर एंड फ्यूरी कार्बस की यहाँ पर कैप्टन शिवा चौहान है। तो इस तरीके से कैप्टन शिवा चौहान के संदर्भ में इस कथन को आपको ध्यान रखना है। अगला फैक्ट, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कौन सा है? तो यहाँ पर देखें हैदराबाद में बना है भारत का पहला गोल्ड एटीएम। हैदराबाद में देखें भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम यहाँ पर आपको लगाया गया है और इस एटीएम से सोने के सिक्के यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली कंपनी जो है गोल्ड सिक्का ने एटीएम को यहाँ पर आपको लगाया है। कंपनी का कहना है कि इस एटीएम से करीब 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के यहाँ पर आपको निकाले जा सकते हैं। ठीक है, कितने? 0.5 ग्राम से करीब 100 ग्राम तक के सिक्के। तो कहाँ है? हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम। अब तक हमने देखा किस तरीके से नोट आप निकाल सकते हैं लेकिन अब गोल्ड भी आपको निकलेगा। अगला, जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य यहां पर देखा जाए तो गुजरात बन गया है। ठीक है, 5G सेवा पूरे गुजरात में यहां पर लागू होने वाला शायद पहला यह राज्य बन गया है। वैसे धीरे धीरे काफी चुनिंदा सिटीज में 5G सर्विसेज आपको लागू हो गई हैं और पूरे भारत में यहां पर देखा है तो एक आध साल के अंदर इसे पूरा कवर किया जाएगा। अगला देखें, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है आपका केरल। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि देखिए बैंक दर जो होती है इसके आधार पर सोने का एक समान यहाँ पर कीमत जो होता है कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। अर्थात पूरे राज्य में आप कहीं से भी सोना अगर आप खरीद रहे हैं तो चाहे वो आप एक वायनाड से खरीद रहे हों चाहे आप कहीं और से तिरुवनंतपुरम से खरीद रहे हों आपको कैसा मिलेगा? एक ही मिलेगा, एक ही दाम मिलेगा और वो है क्या कि यहाँ पे 916 सुलता वाले 22 कैरेट के सोने का मूल एक समान रखने के लिए यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है। तो इस तरीके से एक अच्छी पहल यहाँ पर एक और की गई है, अनूठी पहल है, बेहतर पहल है और चीज़ों को बेहतर करने के लिए आर्थिक स्थितियों को राज्य के संदर्भ में यहाँ पर चीज़ों को और बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं केरल राज्य सरकार द्वारा लगातार इस तरीके की पहल हमेशा से की जाती रही है। अगला,
भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? तो यहां पे देखिए तेलंगाना में। तो पहला वन विश्वविद्यालय यहां पे स्थापित किया जाएगा। इसके लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 यहां पे पारित किया गया तेलंगाना विधानसभा के द्वारा, और 13 सितंबर 2022 को यह पारित किया गया है। प्रावधान यहां पर देखा है इसके तहत वानिकी एवं विश्वविद्यालय स्थापित करने का है, और यह वानिकी विश्वविद्यालय देश का पहला यहां पर और विश्व का देखा है तो इस तरीके का यह तीसरा विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, तो देखा है तो भारत का पहला ये वन विश्वविद्यालय है और विश्व का ये तीसरा वन विश्वविद्यालय होगा। अगला, हर गांव में देखा जाए तो पूरा पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो यह है झारखंड का जामताड़ा। देखा तो जामताड़ा अपने आप में एक सीरीज भी आई थी जो नेटफ्लिक्स पे है, जहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके कितनी सारी ब्लैक कहते हैं स्पैमिंग कॉल्स यहाँ पर की जाती हैं और फ्रॉड यहाँ पर कितने सारे वहाँ पर से किए जाते हैं। तो देखा तो झारखंड का जामताड़ा देश का एकमात्र जिला बन गया जहाँ सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय यहाँ पर बनाए गए हैं, और लगभग 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 ब्लॉक के तहत कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं, और प्रत्येक यहाँ पे पंचायत में अब यहाँ पर एक पुस्तकालय आपको बना दिया गया है। तो इस तरीके से हर गांव में एक पुस्तकालय वाले देश का पहला जिला बन गया जामताड़ा झारखंड। अगला, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए ये भी आपको गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। देखिए शांति के राजदूत प्रख्यात आपके जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी के द्वारा यहाँ पे अहिंसा जो है विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यहाँ पर आपको स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राज्य हरियाणा, शहर गुरुग्राम, और क्षेत्र यहाँ पे जो कह सकते हैं जहाँ पे स्थापित किया जाएगा वो संगठन या विश्वविद्यालय या केंद्र आपको कौन सा है, तो इसको लिए विश्व भारती संगठन हरियाणा में से स्थापित किया जाएगा विश्व शांति केंद्र। अगला देखें, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा होगा? देखिए यहां पे कुंबालंगी गांव केरल। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुंबालंगी को देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत यहां पर घोषित किया गया है। इस पहल के अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक की उम्र की महिलाओं के मेंस्ट्रुअल कप यानी कि मासिक धर्म वितरित यहां पर किया जाएगा, और पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। तो इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त राज्य यहां पर देखा कौन सा हो गया? कुंबालंगी गांव केरल। अगला है, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यहां पर आपको खोला गया है? यहां पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में यहां पर खुला है भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। तो देखा इग्लू जो है बर्फ के नुमा एक आकृति यहां पर है, जो घर एक निवास करने के टेंट जैसी आकृति यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसे बनाया गया है एक रेस्टोरेंट के तौर पर लोगों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटन के लिहाज से भी यहां पर इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में यहां पर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमें लगे एग्जाम के लिए यहां पर जरूरी हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में यहाँ पर ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक साइंस और अन्य यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मुद्दों को लेकर हम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।